कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 17 है, अध्याय 13 सीमा। प्रश्न 18, लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस कास एक्स अंडर रूट कास 2x एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस कास एक्स अंडर रूट कास 2x बाय एक्स स्क्वायर। जैसे हर का परिमेयकरण करते बिल्कुल ठीक वैसे ही हम अंश का परिमेयकरण करेंगे, बिल्कुल सेम पद लेंगे और उसका अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। इससे जो वैल्यू मिलेगी ध्यान से देखिए, एक्सटेंड टू 0 ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, करनी का चिन्ह इसके ऊपर से हट जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट कास 2x बराबर इसे लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास 2x की वैल्यू को हम जानते हैं वो क्या होती है, वो होती है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बटे की वैल्यू को ज्यो कहते एक्स स्क्वायर 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट कास 2x लिमिट एक्सटेंड टू 0 इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 कास की घात हो जाएगी 4x माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वो ही सेम पर कौन कौन से 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट कास 2x आगे देखिए, इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये दो फैक्टरों में बढ़ जाता है, एक होगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और सेकंड फैक्टर इसका बनता है 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बटे यहां लिमिट भी है एक्सटेंड टू 0, एक्स स्क्वायर 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट कास 2x आगे देखेंगे लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स ये तो साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बटे में भी है एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ जो बची वैल्यू अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बटे में है 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट कास 2x। अगर यहाँ पर हम x की जगह पर किसकी जगह पर x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इस तरीके से हमको जो वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर ये तो 1 के बराबर मिलेगा, गुणित 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू, एक का गुणा करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।